ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع اخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي محترم معزز بزرغان دين نوجوانان إسلام ملت إسلاميا كما بهنو हर तरह की तारीफ हर तरह की बड़ाई हर आय से पाकि व सफाई के लायक और काबिल ज़ात हर वक्त हर लहजा हर घड़ी अल्लाह अज वजल की है जिसने कुरानी मजीद में पारा नंबर चौदह सुर नहल की आयत नंबर नब पर आठ में नाइन्टी एट में हमें ये हुक्म दिया है मुसलमानों को फदा क़रातल क़ुरान जब तुम कुरान पढ़ो फस्त बिल्ला मिनश शैतान और रजीम तो तुम अल्लाह की पनाह में चले जाओ मरदूद शैतान से जब तुम कुरान पढ़ो तो तुम अउद बिल्ला ही मिनश शैतान पढ़ लिया करो यह कुरान मजीद की आयत है मैंने आपके सामने इसका मुकम्मल एड्रेस मैंने आपके सामने बयान किया है इस आयत की शरह बयान करते हुए अलामा अबिन कसर रही इन लफ्ज़ों को जिक्र करते हैं

बिल्लाही ही मिन रजीम जब भी हम इरादा करें कुरान पढ़ने का अल्लाह जब भी हम इरादा करें कुरान पढ़ने का तो फिर हमें अवज बिल्ला ही मिन रजीम पढ़ना चाहिए दुनिया में अकेली किताब है ये सारी दुनिया में वाहिद अकेली किताब है जिसके पढ़ने से पहले अउज़ बिल्ला जरूरी है हम क्लास में कभी कभी गलती से हदीस पढ़ने से पहले सही मुस्लिम रोजाना एक तालिब पढ़ता था और उस्ताज उसकी शराह बयान करते तो कभी कभी तालिब इल्म बिस्मिल्लाह पढ़ने के बजाय औज बिल्ला से शुरू करता अस्तदा कराम मुतनब कराते सिर्फ अकेली एक किताब है दुनिया के अंदर जिसे पढ़ने से पहले औज बिल्ला जरूरी है बाकी हदीस भी ऐसी नहीं है कि आप उससे पहले औज बिल्ला पढ़ो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो सुबहान बसमिल्लामान रहीम पढ़ के शुरू करो कुरान का ये हुक्म है कि हम कुरानी मजीद पढ़ने से पहले अउज मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें क्या माना है अउज मिनश शैतानिर रजीम का आप उर्दू तफसीर उठा लें बयान को सुने और बहुत सारे उर्दू में जिन लोगों तफसीरे ने तफसीरें लिखी हैं हमारे महकिकीन ने मौलाना आजाद बहुत सारे लोग अब सुने वो एक लफ्ज लिखते हैं ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूं ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूं मुझे अपनी पनाह में ले ले किससे ले ले इस खुल्लम खुल्ले मगर पोशीदा दुश्मन से समझ रहे आप इस खुल्लम खुल्ले खुला दुश्मन है शैतान मगर दिखता नहीं हमें पोशीदा है पोशीदा, पोशीदा खुल्लम खुल्ले मगर पोशीदा दुश्मन से अल्लाह इसका मुकाबला करने की ताकत मेरे अंदर नहीं है मैं आजिज हूं मैं कुछ नहीं हूं अल्लाह तू इसे हरा सकता है तू इसे खत्म कर सकता है मुझसे तू इसको दूर कर सकता है इसकी बुराइयों से इसके शर से तू मुझे बचा सकता है ये माना है आऊद बिल्ला मिनश शैतानिर रजीम का अपने आप को हम सिलेंडर कर देते हैं अपने आप को हम सिलेंडर कर देते हैं एक सहाबी ऊंट से नीचे गिरे तो उन्होंने शैतान को कहा शैतान ने मुझे गिराया तीस शैतान उनकी जबान से लफ्ज निकला शैतान गिरा दिया मुझे अल्लाह के रसूल ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम ये कहोगे ना वो मोटा हो जाता है वो बड़ा हो जाता है कितना बड़ा घर के उतना बड़ा हो जाता है ऐसे मौके पर तुम सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ो क्या करो बिस्मिल्लाह एक छोटा सा लफ्ज है मगर वो इतना ताकतवर और पावरफुल लफ्ज है कि इससे शैतान कल जुबाब मक्खी की तरह छोटा हो जाता है और अपने आप को जलील समझता है जब मुसलमान बिस्मिल्लाह पढ़ता है अल्लाह अकबर ये जो कुरान की आयत और उसकी जो शराह इब्ने कसीर रही मिला ने बयान फरमाई है उससे एक बात हमें ये मालूम होती है हम कुछ नहीं हैं अल्लाह की मदद के बगैर वी आर नथिंग हम कुछ नहीं हैं हमारी कोई हैसियत नहीं है हमारी कोई शख्सियत नहीं है हमारी कोई पर्सनालिटी नहीं है अगर हमारी जिंदगी में अल्लाह की मदद नहीं आए और वो कितनी जरूरी है देखो अल्लाह की मदद हमारी कोई नमाज सुर फातिहा के बगैर नहीं होती हमारी कोई नमाज सुर यहां तक के नमाज जनाजा भी यहां तक के नमाज जनाजा भी आपके लिए मैं बता दूं पड़ोसी मुल्क के एक बहुत बड़े आलिम पड़ोसी मुल्क के वक्त ऐसा चल रहा है नाम लेना भी दुश्वार हालात ऐसे चल रहे हैं नाम लेना भी दुश्वार है पड़ोसी मुल्क के एक बड़े आलिम कुछ लोग इनके बारे में ये कहते हैं हमारे मकतबे फिक्र के नहीं कि सारी दुनिया में ये सबसे बड़े आलिम हैं ये मानना है बहुत सारे मुसलमानों का वो करोड़ों की तदाद में है मुसलमान उन्होंने अपने भाई की जनाजे की नमाज पढ़ाई अभी करीब में उन्होंने अपने भाई की जनाजे की नमाज पढ़ाई अभी कुछ दो महीने के अंदर की बात है कालर माइक जबान से बड़ा करीब था उनके मसलक के अंदर सुरे फातिहा नहीं है जनाजे की नमाज में अद्ला बस उठाते ही सुबह नमदिकबार पहली तकबीर इसमें हो जाती है दुआ इस्तीफा है बस मगर जिसे वो सारी दुनिया में सबसे बड़ा आलिम मानते हैं राबित आलम इस्लामिया के एक मंबर भी हैं वो मक्के मक्रमा में वो कालर में करीब रहने की वजह से वो आहिस्ता पड़े मगर दुनिया को बता दिए उन्होंने सूर्य फातिहा पढ़ लिया अपने भाई की नमाज जनाजा में उन्होंने सुरे फातिहा पढ़ लिया हंगामा खड़ा हो गया सारी दुनिया के अंदर एक ये अहले हदीस हैं जो कहते हैं नमाज जनाजा में भी सुरे फातिहा जरूरी है और ये ये कहते हैं जरूरी नहीं है आज इनका सबसे बड़ा आलिम नमाज जनाजा में सूर्य फातिहा पढ़ लिया है तो हमारे जनाजों में क्यों नहीं पढ़ा गया हमारे जनाजों में क्यों नहीं पढ़ा गया हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है अपने भाई की नमाज जनाजा में फातिहा उन्होंने पढ़ लिया है हमारे जनाजों में क्यों नहीं बेहद मानती है अलग मसला यहां पर मैं अल्लाह का शुक्र गुजार हूँ अल्लाह ने हमें मसले के हक हकता फरमाया मैं अल्लाह का शुक्र गुजार हूँ जी हां ये आजीजी है इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है कहां जाके कहां पड़े होते किस दरगाह के चौकट पे अपना माथा रगड़ रहे होते अल्लाह ने वहां से उठाकर उस दलदल शिरक से निकालकर अल्लाह तोहहीद की जगह पर लाकर अल्लाह ने हमें खड़ा किया महज उसका कर्म है ये वरना हमारी कोई हैसियत नहीं है इसके अंदर कोई हैसियत नहीं हर नमाज में हम एक लफ्ज पढ़ते हैं या कना आबूदू या अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं जबान से लोग कहते हैं अल्लाह से मैं भीख मांगता हूं इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने कहा है कि तुम फकीर हो अल्लाह ने कहा या अय्युह الناس अंतुमुल फुकरा ऐ लोगों तुम फकीर हो मैं फकीर हूं मैं अल्लाह के दरबार में भीख मांगता हूं लोग जो ये कहते हैं अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं सारी जिंदगी भर अल्लाह इस पर अमल की भी तौफीक अता फरमाए इबादत की हर किस्म सिर्फ अल्लाह के लिए करने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए इसमें एक किस्म है इबादत की याद रखो डर भी इबादत है डरना भी इबादत है बहुत बड़ी इबादत छोटी मोटी इबादत नहीं है डरना दिल की इबादत है ये, मोहब्बत भी इबादत है अल्लाह से हम मोहब्बत करते हैं अल्लाह के रसूल से हम मोहब्बत करते हैं सूर्य इखलास से मोहब्बत किससे किससे अल्लाह समतमयलतम यह सूर से मोहब्बत एक सहाबी ने कहा मुझे मोहब्बत है इस सूर्य से नबी ने कहा यह सूर्य की मोहब्बत तुम्हें जन्नत में लेकर जाएगी मस्जिद कुबा के इमाम थे ये कुबा के इमाम सुनो जी जी हर नमाज में पढ़ते थे इसे लोगों ने नबी से शिकायत की नबी ने बुला के पूछा क्यों पढ़ते हो हर नमाज में कुल हुआ अल्लाह का सूरा कहा मुझे इस सूरे से मोहब्बत है इमामत करूंगा तो इसके साथ ही करूंगा वरना इमामत छोड़ दूंगा अल्लाह अकबर बुखारी में है हदीस उठा के देखें बुखारी में है हदीस करूंगा तो इसके साथ मुझे मोहब्बत है अल्लाह के रसूल ने कहा सूर्य इखलास से मोहब्बत तुम्हें तो जन्नत में लेके जाएगी यह इबादत है कुरान से मोहब्बत अल्लाह के रसूल से मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत इसी तरह डर भी इबादत है आपने मेरी जबान से कई बार सुना होगा याद रखो कितनी बड़ी इबादत है मालूम डरना अकेले में अगर कोई शख्स डर के अल्लाह के आदाब से अपने गुनाहों को याद करके अगर उसकी आंख से एक खतरा आंसू ढले अकेले में लोगों के सामने नहीं इसलिए हदीस में लफ्ज अकेले का है रख्ला खालियन रखा रला खा अकेले में खाली बैठकर अपने गुनाहों को याद करके अगर रोना एक खतरा आंख से निकाले अल्लाह के रसूल ने जो मिसाल दी ना यह पूरा जुमा लपट उसमें आ जाएगा नबी ने कहा क्या यह मुमकिन है कि थनों से निकला हुआ दूध वापस अंदर जा सकता है भाई गाय की थन से जो दूध निकला है वापस थन के अंदर जा सकता है नहीं जा सकता ये रसूल की मिसाल है जैसे ये ना मुमकिन है वैसे अल्लाह से डर के रोने वाला कभी जहन्नम में नहीं जा सकता अकेले में बैठो याद करो अपने आप को अपने गुनाहों को याद करो सुभान अल्लाह डर भी इबादत है बड़ी इबादत है वह अम्मा मन खाफा मकामा रबी ही वहन हवा जो अल्लाह के सामने खड़े होने से डरा अपने आप को गुनाहों से रोक लिया जन्नत ही जन्नत उसका ठिकाना है एक बुखारी की हदीस जिसे इब्ने कसीर रहम्ला ने मेरे दिल के बड़े करीब है हदीस शेखअलबानी राहम्ला की एक आडियो कैसेट है उन्होंने आडियो में तकरीर किया हुआ है उस कैसेट में इस हदीस को शेख अलबानी ने जिक्र किया ये मत कहो कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा यह अल्लाह का फैसला है अल्लाह जिसे चाहेगा जन्नत देगा अल्लाह जिसे चाहेगा जहन्नम देगा यह हदीस वो पेश करते हैं अल्लाह के रसूल ने कहा पुराने जमाने में एक बाप था बड़ा गुनेगार था उसने अपने बच्चों से कहा मैं मर जाऊं हदीस सही है मैं मर जाऊं मुझे जला देना मुझे द, द, दफन नहीं करना मेरी राख को उठाकर हवा में और तूफान में मिला देना ताकि अल्लाह मुझे दोबारा उठा के खड़ा ना करे बात खत्म नहीं हुई खत्म नहीं हुई गौर से सुनो अल्लाह दोबारा मुझे खड़ा ना करे सुबह अल्लाह बच्चों ने वसीयत पे अमल किया तदफीन नहीं की उसकी दफन नहीं किया उसे उसे जला के उसकी राख को आधी राख को हवा में उड़ा दिया और आधी राख को उसकी समंदर में मिला दिया रब की शान है अल्लाह ने समंदर से कहा जमा कर समंदर ने जमा करके दे दिया अल्लाह ने हवा से कहा इसके इसके आजा को जमा कर हवा ने जमा करके दे दिया हदीस में लफ्ज है अल्लाह ने कहा कुन खड़ा हो जा वो खड़ा हो गया अल्लाह ने उससे सवाल किया ये किया क्यों तूने ये कैसे क्यों किया तूने है सुबह अल्लाह अब ये अरबी में मैं लफ्ज पढ़ता हूं आप ये सुनो ये भी इबादत है मखाफतक क्या लफ्ज है क्या लफ्ज है क्यों किया मैं ये काम मुझे जलाने का हुक्म मैंने क्यों दिया अल्लाह मुझे तेरा खौफ है तेरा डर है कि मैं सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा अल्लाह मैं इतना बड़ा गुनेगार हूं कि मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा अल्लाह ने क्या उसे क्या अल्लाह ने सजा दी उसका बदला अल्लाह ने क्या दिया कहा तेरा तेरा मकाम जन्नत है सुबह अल्लाह डर भी अल्लाह की इबादत है इबादत की कोई किस्म कभी नहीं डरना मेरे भाइयों अगर आप डरते हो जैसे आप कहे तो गर्दन कट जाएगी मगर हम सजदा अल्लाह के लिए ही करेंगे उसी तरह किसी पॉलिटिकल लीडर से किसी पार्टी से किसी भी इंसान से कभी नहीं डरना मेरे भाइयों। अगर आप डरते हो तो आप अल्लाह के साथ शरीक करते हो आप समझे समझे मेरी बात अल्लाह इब्ने कईम रही ने ये पूरे लफ्ज को एक लफ्ज में जिक्र किया अकबर खौफ एक इबादत है सिर्फ अल्लाह के लिए जायज है आप सिर्फ सजदा रुकू इसे इबादत ना समझें डर भी इबादत है खासकर नौजवान साथियों आपसे कह रहा हूं जिंदगी में सिर्फ अल्लाह से डरिएगा अल्लाह के अलावा किसी और से डरना जायज नहीं है यह इबादत ईया का अब हम तेरी ही इबादत करते हैं वह ईया कन हम तुझसे ही मदद मांगते हैं अल्लाह की मदद इसके अंदर पेश की गई है अल्लाह अपनी मदद हमारे ऊपर नाजिल फरमाए अबू दाऊद की एक हदीस है मैंने नोट की है हो सके तो यह दुआ अपनी जिंदगी के अंदर मामूल बना लीजिए इन हदीस भी है यह अल्लाह के रसूल की एक दुआ भी है इसे गौर से सुनिएगा अल्लाह मरमू अः मैं तेरी रहमत की उम्मीद करता हूं अल्लाह मेरी जिंदगी में अपनी रहमत बरसा अल्लाह गौर से सुनो इस लफ्ज़ को फला तकिल फलाइन क्या लफ्ज है ये अल्लाह फला तकनी नफसी तरफ़त आईन अल्लाह एक लम्हे के लिए भी मुझे मेरे हवाले न कर नहीं समझ में आई बात बात समझ में नहीं आई कहाँ समझ में आएगी पूरा इरादा करके ही शायद लोग आते हैं जाएंगे तो इनशाला सोकर ही आएंगे जी मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूँ अंदर आते हुए अल्लाहली अब राहमत क्यों पढ़ते हो हु? अल्लास में काम हो तो वही पढ़ के आ जाओ मेरे भाई वैसे भी नीयत तो सोने की ही है सुनने की तो है नहीं फला तकिली इला तरफ आइन अल्लाह एक सेकेंड के लिए भी मुझे मेरे हवाले ना कर सुबह ये ये दुआ है हम अगर अल्लाह हमें हमारे हवाले कर दे अगर अल्लाह हमें छोड़ दे एक सेकेंड के लिए हम बर्बाद हो जाएंगे फला तकिली तरफ आइन किसे कहते आयन आंग को कहते हैं तरफ उसके पलक को कहते हैं अल्लाह पलक झपकने के बराबर भी मुझे मेरे हवाले ना कर अल्लाह हमेशा दुआ याद कर लीजिए मदीने में ये बड़ी से पढ़ते हैं अल्लाह का अर्जु फीला सारे मामले अच्छे कर दे अल्लाह अल्लाह मेरी सारी जिंदगी अच्छी कर दे अल्लाह इला रे सु कोई महुद बरहत नहीं अब की हदीस है इस हदीस के अंदर भी हमें यह तालीम दी गई है अल्लाह की मदद हमारी जिंदगी में जरूरी है चौथी बात मैंने की दो मशहूर आयत और दो अल्लाह के रसूल की दुआएं एक दुआ तो मैंने बता दी एक और दुआ है अल्लाह के रसूल सल्लाम के अब सारे भाइयों को अलहमदिल्ला मालूम है लाहौला लाहौला था अल्ला हदीस बुखारी में भी है हदीस मुस्लिम के अंदर भी है अब्दुल्ला बिन कैस नबी करीम सल्हुसम ने कहा अलाुकाजुमिन जन्ना मेरे भाईयों अल्लाह के लिए जिंदगी के मसले अगर हल करना चाहते हो इन जुम्मे के खुदबों को गौर से सुनो बाद में अकेले में इतना मुझे लोग सतते हैं नहीं बोलूँगा इतना फ़ोन करते हैं अगर वाक़ता वह मसले हैं कीजिएगा जरूर अगर नहीं है तो रात के दो बजे मुझे फोन मत कीजिए मुझे फजर में उठना है मुझे फजर में उठना है दो बजे कल भी रात को दो बजे फोन जी आप नहीं सुनेंगे जुमा के खुतबे यहां हम आपको बोलने के लिए आए हैं जी हाँ आपको बोलने के लिए हम चलकर आए हैं आप ये पूछते हैं तुम्हारी ऑफिस का एड्रेस दो हम वहां आएंगे हमारे मसले हल करने के लिए मत ऐसा करो अल्लाह के लिए सुनो ये जुमा के खुतबों में इंशाला तुम्हारी जिंदगी और आखिरत के मसले हल हो जाएंगे इनशा अल्लाह के रसूल कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन कैस से अला अला अबुल्लु कालीम ही मिन जन्ना। आपने सौ बार जिंदगी में सुना है अये अब्दुल्ला बिन कैस क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाना बताऊं क्या है जन्नत का खजाना हो बोले जन्नत का खजाना क्या है खतीब पूछे तो बोल सकते हैं बोले लाहौल कुआथा अला जन्नत का खजाना है यह गिरास जन्ना भी इसे कहा गया है यहां एक बार आप पढ़ते हैं जन्नत में आपने अपने नाम से एक झाड़ लगा लिया है एक दरख्त लगा लिया है यह दरख्त लगाना है अगर किसी को बहुत ज्यादा गम है नबी फरमाते ये गमों का इलाज है अकेले में बैठकर लाहाउल कु बिल्ला पढ़ो अल्लाह तुम्हारे गमों को दूर फरमाएगा क्या माना है इसका बुखारी में भी है हदीस सही मुस्लिम के अंदर भी हदीस क्या माना है इस हदीस इस दुआ का माना क्या है लाहौत है अल्लाह बिल्ला नहीं है कोई ताकत नहीं है कोई कुत मगर अल्लाह से अल्लाह अगर मदद करे तो सब कुछ सही है अगर अल्लाह की मदद नहीं आए तो फिर जिंदगी बेकार है मेरे भाइयों ये सारी चीज के अंदर हमें यही जो मैंने दो कुरान की आयतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो हदीसें मैंने पढ़ी हैं इन दोनों चार चीजों से हमें यही चीज मालूम होती है मेरे भाइयों इसके बाद चले असबाब कितने भी हो तुम्हारे पास उसके ऊपर भरोसा रखकर अल्लाह की मदद अगर नहीं आएगी तो आप कामयाब नहीं होंगे कभी भी इंशाल्लाह कभी कामयाब नहीं होंगे असबाब के साथ साथ ये दूसरा लफ्ज भी गौर से सुनो अल्लाह की मदद की जरूरत है याद रखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंगें लड़ी हैं उसमें सबसे बड़ी जो तैदाद के अतबार से जो जंग है आपकी जिंदगी में वो जंगे हुनैन है बारह हजार से ज्यादा साहबा थे इसमें अल्लाह। साहबा की तदाद इस जंग में बारह हजार से ज्यादा हो गई थी तैदाद बहुत थी असबाब बहुत थे साहबा ने एक दूसरे से कहा कम से कम इस जंग में हम तादाद के हिसाब से हम जंग नहीं हारेंगे हम जंग जीत के रहेंगे समझे समझे आप इस लफ्ज को याद रखो आज का मसला हल करना चाहते हो ना मुसलमानों को अल्लाह की मदद आएगी तो मुसलमान जीतेगा अल्लाह की कसम बोल रहा हूं अगर अल्लाह की मदद नहीं आएगी ये ये भी लफ्ज लिख के रख लो हिंदुस्तान की 90 परसेंट आबादी अगर मुसलमान भी हो जाए तब भी मुसलमान जीत नहीं पाएगा जुमा के खुदबे से पूरी अमानत से कह रहा हूं अगर हमारी आबादी बढ़ जाए हम क्या समझते हैं पावर किसका किसका नाम है जी मनी पावर मसल पावर और मैन पावर तीन पावर हमारे पास है मनी पावर मसल पावर और मैन पावर मगर जो पावर फ्रॉम अल्लाह है अगर वो नहीं आए अल्लाह का पावर अगर नहीं आए मुसलमानों तुम कभी उठ नहीं सकते इसे लिख के रख लो अच्छी तरीके से ये एक जंग उसके लिए दलील है कुरान की आयत उसके लिए दलील है और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है अभी भी इतना होकर भी निकाब बैन फजर की अजान लाउड स्पीकर में नहीं दे सकते ये बैठ के जुमा में सोता है शर्म आनी चाहिए तुझे सही बोल रहा हूं मैं शर्म आनी चाहिए तुझे इतना होने के बावजूद भी तू जुमा में बैठ के सोता है अभी भी नहीं सुधरेगा अभी भी तुझे अल्लाह का डर अल्लाह का खौफ नहीं है तो फिर कैसा मुसलमान है तू तो? जी कैसा मुसलमान है जुमा के क्या आदाब है भाई क्या आदाब है जुमा के अल्लाह के फरिश्ते बैठ के जुमा सुन रहे हैं और ये जनाबे आली जुमा में बैठ के सो रहे हैं अल्लाह के फरिश्ते बैठ के सुन रहे हैं फरिश्तों को जुमा की तकरीर की जरूरत है और इसे जरूरत नहीं है इन्ना ही वह इनाजी क्यों आते वे जुमा के लिए अल्लाह के फरिश्ते दफ्तर बंद करके बैठ के जुमा सुन रहे बैठ जाते आसमान में नहीं जाते वो हदीस यही हैदीफ वो बैठ कर खुद बह जुमा सुनते हैं और यहां ये यह आकर बैठ के आराम से सोता है अपने आप को कोशिश करो सुनाओ नहीं ये नफ्स बड़ा खराब है मैं भी सोने की कोशिश करो मैं भी सो जाऊंगा जी हां जागने की कोशिश करो अगर नहीं आ रही है उठ के जाओ चेहरा धोकर आओ फिर बैठो आकर ये अल्लाह का कलाम है ये नबी करीम करीमल्लम की हदीसें हैं तुम अल्लाह के कलाम से सो रहे हो नबी की हदीस से सो रहे हो बेअिनाई उससे कर रहे हो अल्लाह के लिए डरो मेरे भाई अल्लाह के लिए डरो मुख्तसर जुमा होते हैं गौर से सुनो गौर से सुनो और ये जुमा के अंदर ये अदब किसी और तकरीर में नहीं है ये बाजू वाला अगर कुछ मुनकर कर रहा है में ये कहा गया मना नहीं करना उसे बाजू बच्चा बैठ के शरारत कर रहा है खामोश बैठो नहीं बोलना जुमा में जो बोलेगा उसका जुमा खत्म हो गया सुबह ये जुमा के आदब हैं और हमारे अंदर डर ही नहीं है खौफ ही नहीं है जुमा के अंदर अल्लाह के लिए गौर से सुनो मेरे भाई तुम्हारे सेल्तिजा है अल्लाह के लिए सुनो लफ्ज सुनो असबाब कितने भी हो अगर अल्लाह की मदद ना आए हम कभी सर नहीं उठा सकते कुरान की आयत उसके लिए दलील है लकत नवातिना जब कुम कसरतुम फलम तुगन गौर से सुनना कुरान की आयत सारी जिंदगी भरी से जहन में रखना यकीन अल्लाह ने तुम्हारी मदद की है बहुत सारी जगहों पर और हुनैन की जंग में नाम अल्लाह ले रहा है हुनाएन की जंग में बड़ा है ये। तुम्हारी कसरत ने तुम्हें ताजुब में डाल दिया था आज हम बहुत ज्यादा कौन हमें हरा सकता है, जी हाँ, कभी -कभी हमें भी लगता है। हमारा नफ्स जरा मोटा हो जाता है क्या होता है मोटा मैं बहुत कुछ हूं दिमाग में क्या आता है मैं बहुत कुछ हूं मैं नहीं रहूंगा तो कंपनी नहीं चलेगी मैं नहीं रहूंगा तो ये मदरसा नहीं चलेगा मैं नहीं रहूंगी या नहीं रहूंगा ये स्कूल बंद हो जाएगी यहां तक कि मैं अपने लिए बोल लेता हूं ठीक है मैं नहीं रहूंगा तो यह मस्जिद सही से नहीं चलेगी कैसा लफ्ज है मैं मेरे लिए बोल रहा हूं मेरा मेरा खिताब अपने आप से है मेरा खिताब अपने आप से है कोई दूसरा आलिम अपने ऊपर ना ले इसे जी हां मैं नहीं रहूंगा तो फिर यह मस्जिदें जैसी चलनी चाहिए नहीं चलेगी मेरी इमामत मेरी खिताबत से यह चल सकती है अगर यह चीज किसी के जहन में आ गई उसका नफ्स मोटा हो गया क्या बोलते हैं इसे समझ लो उसकी बर्बादी वहां से शुरू हो गई समझ लो और खास तौर से मैं हूं तो घर चल रहा है क्या लफ्ज बोलता है मैं हूं तो घर चल रहा है जी हां वरना मैं दकनी जबान में उतर के बात करता हूं हांडियां लटक जाएंगी ऊपर हांडियां लटक जाएंगी मैं था तो तू पड़ा है मैं नहीं रहता तो तू ये सारे अल्फाज मैं, मैं मैं ये मैं के जो अल्फाज हैं ये सारे अल्फाज बोलने वाले लोग सुनो तुम कुछ नहीं हो तुम कुछ नहीं हो अल्लाह ने तुम्हारी मदद की तो तुम कुछ बने हो जी कई नौजवान मुझे बोलते हैं हजरत किसी ने मेरी मदद नहीं की तुम्हारे से मैंने सीखा है, स्क्रैच से मैंने स्टार्ट किया कहां से बोलते हैं आई स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच जी हां अल्लाह का नाम लो मेरे भाई देखो तुम कानून बनना चाहते हो या सुलेमान बनना चाहते हो तुम फैसला कर लो क्या बनना है दो चीजें अल्लाह ने एक ही पारे में पारा नंबर बीस में सुर कसस और सुर नमल बाजू बाजू दो सूरतें हैं अल्लाह ने दो मिसालें बयान फरमाई पहली मिसाल अल्लाह की पहले पारे के अंदर कानून की है बड़ा कामयाब आदमी बड़ा कामयाब कितना कामयाब है कितना कामयाब है कारून कुरान कहता है उसकी खजाने की चाबियां उठाने के लिए बड़ी बड़ी जमातें थी इन कारूनो मूसा फलिम

बहुत सारे नौजवानों को मैं देखता हूं आज कानून की जबान बोलते हैं किसकी जबान किसकी बहुत सारे नौजवानों को मैं देखता हूं आज कारून की जबान बोलते हैं इन नमाती तो यह जो कुछ कामयाबी मुझे मिली है मेरे इल्म की वजह से मेरे हुनर की वजह से मेरी वजह से मिली है यह कारून का जुमला है आप वो बोलना चाहते हैं तो आपको वो जुमला मुबारक हो आपको कारून मुबारक हो आपको कारूनीय मुबारक हो आपको कानून का यह जुमला मुबारक हो मैंने किया है एक तरफ दूसरे बड़े पैगंबर सुलेमान, सुलेमान, सला तो यातीनी अयुमी भी आरशा कबलूनी अं मुसलि कौन भाई अरश लेकर आएगा मेरे सामने उनके आने से पहले अरश कौन लेकर आएगा कालाइफरी तुम मिन अति कभी ही कबल मकामिक एक जिन खड़ा हुआ है जिसका नाम इफरीत था कहा आप मजलिस से उठने से पहले वो अर्श में यहां लेकर आऊंगा एक आदमी खड़ा हुआ उसका नाम आसिफ बताया जाता है तफसीर की किताबों के अंदर अल्लाह ने उसे अलग इल्म अता किया था उसने क्या पलक झपकने से पहले वो अर्श में ला करके यहां रख दूंगा और जैसे ही सुलेमान सलेमानसलातम पलक झपके सामने वो अर्श देखा उन्होंने तरफ फलम्बा राह जब सामने देखे कामयाबी मिली है उसका अर्श बल्कि इसका अर्श वहां से यहां आने से पहले उसके आने से पहले उसका अर्श आ चुका है सुलेमान की जबान से यह लफ्ज निकला हादा खाली घर के बाहर निकले तो नहीं होता ये हादा हादा मिन फगली रब्बी हादा मिन फगल रब्बी मेरा कुछ नहीं है ये ये मेरे रब का फजल है तो ये कामयाबी मिली अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ये सुलेमान का जुमला अगर किसी को बोलना है सारी जिंदगी इस जुमले को बांध के रख लो मैं कुछ नहीं हूं रब का फजल हुआ है तो मैं यहां पहुंचा हूं अल्लाह अकबर मैं कुछ भी नहीं हूं हज अमीन फजल रबी दो मिसालें तुम्हारे सामने हैं अभी तुम्हें बनना है क्या बनना है कानून के रास्ते पर चलना है चलो सुलेमान के रास्ते पे चलना है फिर चलो दोनों मिसालें तुम्हारे सामने हैं अल्लाह हमें हजरत सलेमान सलातम के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह हमें हमारी औलाद को हमारी नस्लों को अल्लाह हजरत सुलेमान सलात सलाम के उस जुमले पर अल्लाह जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए मेरे भाइयों मैं इस जुमा को मुख्तसर करके खत्म करता हूं पांच मिनट के अंदर आइंदा जुमा भी इंशा अल्ला अल्लाह की मदद जरूरी है हमारी जिंदगी में इतना तो मालूम हो गया आज के जुमा में मदद कैसे आएगी इन वक्त नहीं है अगले जुमा इसे मैं इंशाला क्या करेंगे अल्लाह खुद कहता है मैं मदद करूंगा इंशाला वो सारे इसबाब वो सारे जराए याद रखो इनफरादी जिंदगी हो या इज्तमाही जिंदगी हो दो मैं उर्दू के अच्छे लफ्ज बोला हूं इंफरादी जिंदगी का माना होता है मेरी पर्सनल लाइफ और इज्तमी जिंदगी का माना होता है मेरी पूरी कौम की जिंदगी इज्तिमाही लाइफ हो या फिर इंफिरादी जिंदगी हो दोनों जिंदगियों में अल्लाह की मदद की जरूरत है सुबह अल्लाह कितने डॉक्टर हैं ये बादा कह देते हैं यहां हमारा इलाज खत्म है अब आप ऊपर दुआ करो ऐसा इंग्लिश उठा के दिखाते हैं कितने डॉक्टर खत्म कहां गई तुम्हारी साइंस वेरी वेर आर वेर इज योर टेक्नोलॉजी मैं पूछता हूं सवाल करता हूं कहां है तुम्हारी टेक्नोलॉजी जी हां कितनी बीमारियां आज भी दुनिया में ऐसी हैं उसका इलाज आज के डॉक्टरों के पास नहीं है एक ही लफ्ज कहते हैं ऊपर दुआ करो ऐसा जी हां और ये बाखिदा कहते हैं मैंने गैर मुस्लिम को देखा है जी तुम बस इतना ही हम कर सकते हैं बाकी अल्लाह की मदद आएगी तो यह मरीज सही हो जाएगा इन इस मिंबर से मैं खड़े होकर एक आलिम के लिए मैंने दुआ मांगा था इस मिंबर से एक बार नहीं चार पांच बार मांगा मैं गले का कैंसर था और डॉक्टर किडवे की एक बड़े सर्जन ने लिख के दे दिया जबान बंद हो गई आवाज खत्म खाना अंदर नहीं जा रहा है जबान बंद होने के बाद राइटिंग में लिख के दे दिया यह आदमी जिएगा नहीं कुछ दिनों का मेहमान है मगर डायरेक्ट पेशन को नहीं बताते हैं पेशेंट के साथ जो आए थे उनको बताए मैं रास्ते से गुजर रहा था वो रोते हुए खड़े थे बाहर मैं गाड़ी खड़ा कर वापस भागते हुए गया पूछा क्या है कहा कुछ दिनों में मर जाएंगे ऐसा डॉक्टर कहते हैं सर्जन है ये अल्लाह कुर्बान जाए उस आलिम पर उस आलिम ने पेपर लिया पेन लिया बात नहीं कर सकते ना उसने कहा मौत और हयात अल्लाह के हाथ में है ये तुम्हारे हाथ में नहीं है अल्लाह जितनी जिंदगी मुझे दिया है वो मैं जी के रहूंगा इसलिए मुझे राई के दाने के बराबर भी अल्लाह की ताकत पर मुझे शक नहीं है मैं मुतमइन हूं जब भी फरिश्ता आएगा मैं जाने के लिए तैयार हूं अल्लाह अकबर मेरे भाइयों आज व आलिम नमाजें पढ़ा रहे हैं दोबारा ईद का खुतबा दिए हैं ईद की नमाज पढ़े हैं फिर दोबारा जाकर जब जो भी छोटा मोटा इलाज कराए हैं दोबारा टेस्ट किए हंड्रेड परसेंट अल्लाह ने उन्हें कामयाबी दी कैंसर जैसे मर्ज से वापस निकल कर आए हैं हर आदमी उस गांव का यही कहता है यह इंसान हमारे लिए अजूबा है तुम्हारे लिए अजूबा होगा उसके लिए नहीं उसके लिए नहीं हर बीमारी का इलाज उसके पास है कितनी बच्चियां ऐसी हैं कहां कहां इलाज करके नहीं है औलाद नहीं है क्या जी औलाद नहीं है पूरी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर अल्लाह नहीं औलाद भी नहीं मिलेगी अल्लाह नहीं चाह कुछ भी नहीं होगा मेरे भाइयों एक डॉक्टर की मिसाल देकर यह जुमा खत्म कर लेता हूं और अगर सोने वालों को मैंने जरा ज्यादा सख्त कह दिया है तो मैं माजिरत खा हूं मैंने अल्लाह उसके रसूल का हुक्म तुम्हें बताया है मेरे भाइयों मेरे सगे भाइयों भाई समझकर मैंने बोला है अल्लाह के लिए अहतराम रखो इस मजलिस का अहतराम रखो बात सुनो अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ सामने वाला सो जाए तो अच्छा लगेगा आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाला सो गया आपको अच्छा लगेगा अगर उसके सामने अल्लाह की बात है रसूल की बात है और वो सो जा रहा है ये अच्छी बात नहीं है मेरे भाइयों तैयारी करके आओ पहले से सो के तैयार होके जुमा के लिए आओ मेरे भाई एक मिसाल सुन लो ये जुमा हम खत्म कर लेते हैं इन शाल मिसाल है डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन ब्राउन की डॉक्टर लॉरेंस ब्राउन की आपके हाथ में फोन है जुमा होने के बाद जाओ गूगल में सर्च कर लो इनका नाम आ जाएगा इंशाला डॉक्टर लॉर लारं, लॉरेंस ब्राउन की मिसाल है न्यूयॉर्क की एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल जिसके साथ मेडिकल कॉलेज भी लगी हुई है उसके ये बड़े डॉक्टर हैं सर्जन हैं डॉक्टर लॉरेन ब्राउन्स और ये अल्लाह को नहीं मानते ये कहते हैं दुनिया में अल्लाह ही नहीं है देर इज नो गॉड एग्जिस्टिंग ऑफ गॉड इज नथिंग कुछ नहीं है अल्लाह को नहीं मानते खुद कहते हैं मुलाहिद हैं वो सुबहान अल्लाह मगर 1990 में इनको एक बेटी पैदा होती है पूरा रंग बच्ची का ब्लू है सारा बदन का कलर ब्लू है बच्ची का और वो मेडिकल साइंस के हिसाब से कहते हैं अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है तो फिर बच्चों का कलर ब्लू हो जाता है कुछ दिनों के बाद वो बच्ची मर जाती है दूसरी बच्ची दो साल बाद फिर दोबारा पैदा होती है 1992 में सुबह अल्लाह उससे भी खराब हालत में उससे भी खराब वो बच्ची भी ब्लू है और उसका दिल भी छोटा है मगर ये और एक बच्ची है अल्लाह को नहीं भी मानता है आदमी बच्ची से तो प्यार करता है ना कैसा भी आदमी हो जानवर भी हो अपने बच्चों से प्यार करता है ये एक बच्ची मरी है दर्द है एक और बच्ची अल्लाह कैसे भी बचा ले उसके जहन के अंदर ये फिक्र है कुछ भी करो मैं बचा दू सारे डॉक्टर्स को बुला के हार्ट के ऑपरेशन के लिए कहता है मेरी बच्ची का हार्ट का ऑपरेशन करो इसे बचा के दे दो तो। डॉक्टर्स का यह कहना है अगर ऑपरेशन करें भी तब भी छह महीने से ज्यादा यह बच्ची जिंदा नहीं रहेगी सुबहान अल्लाह वो कहता छे महीने भी जीली मेरी बच्ची मेरे सामने रहे मेरे लिए बस है इंशाला ऑपरेशन के थिएटर में लोग ऑपरेशन करने के लिए खड़े हैं ये बिल्कुल मायूस होकर थिएटर से बाहर निकलकर कॉरिडोर में चलते हुए एक प्रेयर हॉल लिखा हुआ एक रूम के ऊपर प्रेयर हॉल है मुसलमानों के लिए नहीं कोई भी जाके इबादत कर सकता है अंदर जाकर बैठ के ये मुसलमान तो क्या ये यहूदी भी नहीं ईसाई भी नहीं कुछ भी नहीं है ये बस आंख बंद करके आंखों में से आंसू हैं ये कहता है मैं तो नहीं मानता अल्लाह है ये लफ्ज देखो अगर तू है तो मेरी बच्ची को बचा ले पंद्रह मिनट कितने मिनट आप सुनना जाकर आपके क्या क्या गलीस गलीस चीजें देखते हैं ना अब जाके देखो ये है क्या डॉक्टर अभी भी जिंदा है मैं तो नहीं मानता अल्लाह की मदद जरूरी है तुम्हारी टेक्नोलॉजी तुम्हारी साइंस तुम्हारी मेडिकल सब एक तरफ मेरे अल्लाह की ताकत सबसे ऊपर है पंद्रह मिनट के बाद जब वापस ऑपरेशन थिएटर को आता वो खुद कहता है मैं देख रहा हूं मेरी बच्ची का कलर बदल गया है उसका हार्ट अच्छा हो गया है जी, जितनी टीम वहां कर रही है सब यही कहती है कि इट इज मेराकल उनके पास क्या लफ्ज है मेराकल क्या इट इज मेराकल ये अजूबा हो गया है क्या हो गया हमें नहीं मालूम सब सही हो गया बच्ची का आज वो बच्ची भी जिंदा है वो एक वाक्य ने उस डॉक्टर को मजबूर कर दिया है कलीमा पढ़ने पर अल्लाह जी पहले यहूदी गया वहां से अच्छा नहीं लगा फिर ईसाई बना उधर भी अच्छा नहीं लगा एक बार चलते हुए कार में एक छोटी मस्जिद थी मस्जिद के अंदर गया दिल को सुकून मिला लगा यह सच्चा मजहब है वहां से इस्लाम कबूल किया आज आठ किताबों का वो आथर है इस्लाम की आठ किताबें उसने लिखी हैं मैं चाहूं तो साहबा की भी मिसाल दे सकता हूं मगर आज की मिसालें अगर आती हैं बात जल्दी जहन में बैठती है मेरे भाइयों अल्लाह से मैं दुआ करता हूं अल्लाह हर पल हर घड़ी उसकी मदद हमारे ऊपर रखे अल्लाह ताला अल्लाह हमेशा अपनी रहमत के अंदर अल्लाह हमें शामिल हाल रखे अल्लाह इस वक्त उम्मत को उसकी मदद की ज्यादा ज़रूरत है अल्लाह मुसलमानों की मदद फरमाए अल्लाह मज़लूम की मदद फरमाए जिन पर जुल्म हो रहा है सारी दुनिया में वो कोई भी हो अल्लाह मजलूम की मदद फरमाए अल्लाह इस मुल्क में अल्लाह हर मजलूम की मदद फरमाए हर मजबूर की मदद फरमाए अल्लाह तबारक वाल जो भी आदमी मजबूर है अल्लाह उसकी मजबूरी दूर फरमाए अल्लाह हर मजबूर की मजबूरी दूर फरमाए हर परेशान हाल इंसान की परेशानियों को अल्लाह दूर फरमाए यह मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह जिसके सर पर खरस का बोझ है अल्लाह की मदद अगर आएगी वह बोझ हट जाएगा इंशाला अल्लाह उसे इतनी दौलत अता फरमाए कि वह कर्ज के बोझ से आज़ाद हो सके वो कर्ज के बोझ से आज़ाद हो सके अल्लाह ताला अगर किसी के सर पे ज़िम्मेदारियों का बोझ है बच्चियों की शादियां हैं और जिम्मेदारियां हैं अल्लाह उसे इतनी ताकत अता फरमाए कि वो आसानी से ज़िम्मेदारियों से आज़ाद हो सके अल्लाह तबारक वाली हर मुसलमान को तोहीद की दौलत अता फ़रमाए अल्लाह हर मुसलमान को इतमा सुन्नत की दौलत अता फरमाए अल्लाह हर इंसान को अल्लाह शर्क से बचाए अल्लाह हर इंसान को खासकर मुसलमानों को अल्लाह शरिक से बचाए अल्लाह हर मुसलमान भाई को बिदात और कबर परस्ती से बचाए अल्लाह तबार को तला में ऐसे अमल की तोफ़ी दे जिससे अल्लाह राज़ी हो नबी के तरीक़े पर हो उसमें अखलास भी शामिल हो आमीन व सल अल्लाह नबील कर करीम बारकल्ला बार्लाम फ़िलक़ुरमजीद व नफ़ा व्यायाकुम दिल आयात विक्रकम इन्न तला जवादुल करीम व रब्बलीम